सर कोक आगे आइसक्रीम कौन होगा? सो जनाब, आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार। तो गाइज़, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम जगमाता मंदिर गए थे। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने वाला है, तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र में। सो गाइज़, आज हम घूमेंगे उदयपुर की एक फेमस जगह जिसका नाम है शिल्पराम। तो चलिए देखते हैं ये जगह। उससे पहले ये है टिकट काउंटर जहाँ से टिकट मिलता है और जहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप मास्क पहन के ही जाए। तो ये टिकट ले रहे हैं हमारे क्लिक्स। टिकट लेने के बाद हम एंट्री करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि यहाँ शिल्पग्राम में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और मनोरंजन के क्या साधन हैं और यहाँ से हम क्या सीखते हैं। गाइस, बेसिकली आपको यहाँ पे राजस्थान के ओल्ड घर मिलेंगे जो कि मिट्टी से बने पड़े थे, पुराने ज़माने में बने पड़े थे और उसको बड़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है और प्रेजेंट किया गया है हमारे सामने। पहले ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था जो कि घरों के अंदर ही होता था। आपने कई फेमस मूवियों में भी देखा होगा। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, जैसा कि आपके सामने आपको दिख पा रहा है जी। हाँ, तो ये पुराने घरों का ढांचा जो राजस्थान में होते हैं, वो ढांचा है कि कैसे घर बनते हैं राजस्थान में, उसका ये नमूना है। बहुत ही छोटे दरवाजे होते हैं इनमें और ये बहुत बड़ा सा आंगन होता है राजस्थान के घरों में। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही है शिल्पग्राम के अंदर। गाइस, जैसा कि आपने कई पुरानी मूवियों में देखा होगा, ये स्टेज बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया होता था पहले और यहाँ पर भी बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। गाँव हुआ करते थे राजस्थान के अंदर, गाँव के बीचों बीच एक चबूतरा हुआ करता था जहाँ पंचायत या झगड़ों से रिलेटेड पंचायत वगैरह किए जाते थे या किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए इन चबूतरों पर बैठ के ग्राम पंचायत के जो मुख्य होते थे उनके साथ, ग्राम के लोगों के साथ यहीं पे बैठ के उसका निवारण निकाला जाता था और फिर ये गांव की तरफ जाते हुए। तो ये पूरे एक गाँव का कैसे संरचना होती है वो चीज़ दिखाने का यहाँ प्रयत्न किया गया है शिल्पग्राम के अंदर। चलिए गाइस, अब राजस्थान के संगीत का भी लुफ्त उठा ही लेते हैं। गाइस, इतना सब कुछ हो गया तो अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत दावत वावत भी तो कर ही लेते हैं ना यारो। अब आए हो, दावत नहीं करी तो फिर आप यहाँ पे आए क्यों? सर कोक ये रहा डिनर टेबल और ये कुछ लोग घूम रहे हैं, डिनर के लिए एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए इनके टेबल पे भी ताक झाक कर रहे हैं। तो